हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और जैसा कि आपको पता है, बारिश दो तीन दिनों से हो रही है और काफ़ी ज़्यादा लाइक मस क्रिएट हो गया फिर से। मैं ऊपर आई थी अभी, मैंने ये कहा कि मैं ये सब कुछ उठा लूँ। बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा कुछ जो है ना शेप्स ख़राब हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं कैसे बिखरी पड़ी। हालांकि ये सब कुछ कवर किया हुआ था, लेकिन ना बारिश हुई इतनी ज़्यादा है। ये देखें, ये रेड डर्ट है। बारिश से ज़्यादा ना जो गर्मियों की बारिश होती है उसमें हवा बहुत ज़्यादा चलती है, जिसकी वजह से जो है ना वो सारा मैस क्रिएट हो जाता है और उड़ उड़ के चीज़ें गिरी हुई हैं सब सारी की सारी। ये सारी शेप्स बिखरी पड़ी हैं इधर उधर। वो वाला तो अभी तक मैंने उठाया नहीं, क्योंकि वो मैं अकेले उठा नहीं सकती थी। मैंने कहा मैं ये तो उठाऊं, मैं कोशिश करूं जाके मैं कोई एक दो वीडियोस शूट करूं। तो वहाँ से मैंने अभी तक कुछ भी नहीं उठाया। जो भी शेप्स ड्रायर थी उनका तो हशर हो चुका हुआ है, आप देख सकते हैं मस किस कलर क्रिएट हो गया। अभी पापा आएंगे मेरे साथ ऊपर, भी हम इसे उठाएंगे। ये देखें, ये भी टूट गया। हवा इतनी चली कि ये ऐसे अटैच किया हुआ था और ये भी टूट गया। और वो देखिए टेक्सचर का हाल देखें आप। ये मैंने अब चंक्स निकाल के रखे हैं वाइट डर्ट के, और अभी ये बाकी का पड़ा है वो बनाना है। और ब्लैक डर्ट मैंने बारिश में ही कल शूट की है, ये देखिए इसको मैंने बारिश में ही कल शूट किया। ये कुछ टेक्सचर अंदर पड़े हुए हैं और बस जब एक दफ़ा गन मत जाए भी समझ ही नहीं आता बंदा क्या क्रम्बल करे क्या ना करे। ये एशेज हैं, ग्रेनी एशेज। और अब देखती हूँ मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब यहाँ से मैं सोचूँ पहले वो वाली वीडियो बनाऊँ, और उससे पहले मैं इसको ज़रा सही करूँ अपनी येलो डर्ट को, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। ना तब भी कोई फारिग नहीं ना है, इस वजह से मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं कौन सी वीडियो शूट करूं कौन सी ना करूं। खैर हालात देख लें आप, एक दिन दो दिन का आंधी तूफान, बट ये मानसून की बारिशें या वैसे ही रहेंगी, तो इस वजह से कहाँ तक गंद गया हुआ। ये ये पता नहीं किस चीज़ का उड़ उड़ के सारे टेक्सचर्स में पड़ रहा वैसे ये बहुत अच्छी स्लैब निकल सकती है, लेकिन मैं आपके लिए इसको क्रम्बल करने लगी हूँ।
ठीक हो गया। अब ना ऐसा है उफ, समझ नहीं आ रही क्या काम करूँ क्या ना करूँ। अभी मैं देखती हूँ इसको। आप किधर आ रहे हो? फोन दे, फोन नीचे ही रख दिया करो, जाना। अभी धूप है, अभी आप नीचे चले जाओ, फिर जब धूप खत्म हो जाएगी फिर आ जाना ऊपर। हाँ, डोंट डू दिस, पाते हैं। इधर देखो, मैं इधर, इधर देखोगे? जाओ आप अभी नीचे चले जाओ, मैं ऊपर आ जाऊँ। जाना, धूप खत्म होगी फिर आ जाना। नहीं, मैं आ जाऊँ। इधर देखो, फिर हेलो कर दो सबको। इधर देखो, बोलो हेलो एवरीवन। इधर देखो, आर यू ब्लशिंग? ओके, ये मैं पानी भर रही थी, मैं उसमें डालूंगी अब इसको। मैं ये मैं ना एक चंक्स ऐसे बनाना चाह रही हूँ कि ना मैं ना इसके ऐसे चंक्स बनाऊँ कि ये पानी नीचे तक अब्जॉर्ब कर लेगा ना, तो वो चंक्स थोड़े ना हार्ड नहीं होंगे, वरना इसको वैसे बनाऊँ तो इसके चंक्स हार्ड हो जाते हैं। तो अब देखते हैं कि ये होता है कि नहीं होता तरीका कामयाब चंक्स का बनाने का। ठीक हो गया, ये वैसे ही पानी जो है ना नीचे तक चला जाएगा। हाँ जी, क्या करना है अब? हेलो हेलो, ओए क्या करना है आपने अब? देखा ना, खाली हो गया। कुछ था इसमें? हाँ, ये क्या था? ये खाली हो गया। पॉकेट में क्या था आपकी? ये खाली हो गया। ठीक है, इधर देखो, मैं इधर ऊपर देखो ना, ऊपर देखो ना, ऊपर देखो ना, खाली हो गया। ये देखो, चलो कोई बात नहीं, खाली हो गए। अब कहाँ से पैसे देंगे? आपके पास पैसे थे? किधर फेंके मेरे? नानो के पास पैसे थे नीचे। जाओ फिर नानो से ले लो जाके। ठीक है, ओके, बाय बाय। भेज दिया इसको नीचे। अभी खैर मैं ये वाली वीडियो शूट करने लगी हूँ तो आपको दिखाती हूँ, और मैं ज़रा ट्रैपबोर्ड वगैरह सेटिंग कर लूँ फिर। ओके, और अब मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँगी।
हाँ जी, तो ये वीडियो मैंने शूट कर लिया है। अब ऐसा है कि ना, जब तक प्रॉपर सेटअप नहीं ना होएगा मेरी वर्क प्लेस का, मुझे समझ नहीं आना मैंने क्या काम करना है। बट वहाँ से एक रेड डेट की वीडियो है जो कि मैं शूट करना चाह रही हूँ, बट बिल्कुल सामने जो है ना काम कर रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन का पेंटिंग का काम चल रहा है किस बिल्डिंग में, वो बिल्कुल सामने नज़र आता है। तो मैं कल कंटिन्यू करूँगी इस ब्लॉग को, ठीक है।